स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण बेस्ट ब्लॉग्स नैनीताल में। तो आज मैं आया हूँ श्री सत्यनारायण जी के मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम काफ़ी विशाल जो कि भंडारा है और यहाँ पे आज के दिन पूजा आयोजन किया गया है। तो आइए मैं आपको यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ आगे और आइए बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ और जानेंगे यहाँ पे कितने श्रद्धालुगण आए हैं। तो ये हर साल ही यहाँ पे जो कि इस पूजा का आयोजन किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आइए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको देखिए यहाँ से आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं जो कि कैमल्स बैक का रास्ता है। आप देख सकते हैं सामने ही नीचे जो कि नैनीताल आप देख पा रहे हैं, नैनीताल जो कि लेक झील है, नैनी झील। तो ये कुछ इस जगह पे स्थित है श्री सत्यनारायण जी का मंदिर। तो आइए आगे से कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे व्यूज़ हैं और यहाँ पर कितने श्रद्धालुगण आए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट पूजा का भी जो कि है अब आयोजन होने हो ही गया है सम्पन्न लगभग जो कि दिन के एक बजे का समय है अभी। तो आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या कुछ चल रहा है। तो आइए फ्रेंड्स आगे को चलते हैं और देखते हैं। हाय हाय मैम आदित्य जी, कैसे हैं आप? और आज तो काफ़ी अच्छा है, नैनीताल में धूप अच्छी खिली है। इस टाइम थोड़ा सा अच्छा है और दिन काफ़ी धुंध जा रही थी। जी थोड़ा ठीक है मौसम। जी अच्छा लग रहा है। जी तो काफ़ी अच्छा है, आप भी एकदम समय से पूजा में आए हैं। हाँ बिल्कुल, और जी के साथ हर साल आती हूँ। जी अच्छा। तो इस साल भी वो स्पेशली दिल्ली से आती हैं खास यहाँ, क्योंकि वस्त्र चढ़ाना होता है जी इसके लिए आती हूँ। जी तो चलिए आप पूजा में ध्यान मग्न रहिए और आगे मैं आगे दिखाता हूँ दर्शकों को। जी तो फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि श्रद्धालुगण हैं और आप सामने देख सकते हैं यज्ञ और हवन चल रहा है यहाँ पे। तो आइए थोड़ा आगे आपको लेके चलता हूँ और आप देख सकते हैं यज्ञ जो कि यहाँ पे ये यज्ञ जस्ट शुरू ही किया गया है और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो कि लोग बैठे हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ नैनीताल के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बेल्स हैं जो कि ये घंटियाँ हैं ये काफ़ी ही आकर्षक लग रही हैं और देखिए एकदम सुनहरे कलर की। और आप ये ध्वनि सुन सकते हैं, इसकी जो मधुर ध्वनि है एकदम जो कि एकदम मेडिटेशन का एकदम अनुभव कराती है और घंटी सुन के काफ़ी अच्छा सुखद अनुभव होता है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ से नैनी झील और इधर की तरफ आप अगर देखें तो देखिए भक्त श्रद्धालुगण आ ही रहे हैं अभी और ये जस्ट भंडारा ही होने जाएगा जल्द ही। तो जो कि ऊपर की वो सामने की जगह है, यहाँ से रास्ता जाता है सामने, तो इधर कहीं भंडारा जो कि बन रहा है अभी और जल्द ही भंडारा शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसा रास्ता है, तो ये जो मंदिर का एंट्रेंस गेट है। तो अभी फ्रेंड्स मैं इस रास्ते आया हूँ यहाँ पे, ये पैदल मार्ग है और आप ये नीचे देख सकते हैं। Oh, God.
जाइए, आप लोग देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो कि हैं आदित्य जी हैं और उनकी माता जी हैं। तो आंटी जी नमस्कार। आंटी जी, मुझे जानकारी मिला है कि आप यहाँ जैसे हर साल आती हैं, मेरा तो प्रथम बार है अभी, तो मैं आपसे कुछ थोड़ा बहुत जानकारी चाहूँगा। मैं हर साल इसलिए आती हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरी सत्यनारायण जी के प्रति अपार श्रद्धा है। एक आदमी को कहते हैं जिससे सुख मिलता है वो मिलता है मुझे यहाँ आकर, और मैं कई सालों से ये पूर्णमासी का व्रत करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमासी के दिन मैं हर साल दिल्ली से यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने के लिए आती हूँ। बहुत शांति मिलती है, ज़रूरी होता है मम्मी के लिए, ज़रूरी है यहाँ पे आना, कैसे भी समय निकाल के, कितनी भी परेशानियाँ हो जाए, लेकिन मैं एक दिन के लिए तो यहाँ पर ज़रूर आती हूँ और यहाँ पे दर्शन करके जाती हूँ। और साल भर मैं इसी इंतज़ार में रहती हूँ कि कब कार्तिक पूर्णिमासी आए और मैं कब नैनीताल जाऊँ और अपने भगवान जी के दर्शन करूँ। कभी कभी बंद भी मिलता है मंदिर, कभी खुला भी मिलता है। जब बंद मिलता है तो फिर बड़ी मुश्किल से चाबी की व्यवस्था करके, चाबी की व्यवस्था करके लाके खोल के फिर पूजा करते हैं, क्योंकि मुझे भगवान जी को एक छोटा सा वस्त्र भी अर्पण करना होता है। मैं हमेशा आती हूँ, और जब तक इन पैरों में दम रहेगा तब तक आती ही रहूँगी, क्योंकि हल्का फुल्का ट्रैक तो है ही। भगवान जी को अपनी श्रद्धा अर्पण करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप, अच्छा लगा आज मैं भी आपसे पहली दफ़ा ही मिला हूँ। तो जी जी, थैंक यू सो मच। जो कि है भंडारा का आयोजन किया जा रहा है श्री सत्यनारायण जी के मंदिर का, और आप देख सकते हैं विशाल मात्रा में यहाँ पे जो कि दाल, सब्जी, पूरी, और ये आप देख सकते हैं सर्व कर रहे हैं। तो आइए रस दिखाता हूँ आपको जैसा है, आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इधर की तरफ आपको लेके चलता हूँ और देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लोकल्स में है, यहाँ पे मोस्टली सभी लोग आए हैं और आते हैं हर साल ही। और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ को, इधर की तरफ को, ये आप देखें। आइए अभी आपको नीचे ही लेके चलता हूँ। तो कुछ ऐसी है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ही नेचर है, और आप देख सकते हैं मगर बादल लगा हुआ है ये भाबर साइड, तो इधर की तरफ जो है वो कालाडूंगी का क्षेत्र है, और आप ये देख सकते हैं, और ये काफ़ी सुंदर जगह पे स्थित है ये मंदिर, और आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो कि है, जो कि भंडारा भोजन कर रहे हैं वो यहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पे जो ऊपर किचन इनका है वहाँ पे जो कि ये लोग बना रहे हैं खाना, वहीं से बन के आ रहा है। तो अब ये नीचे देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे जो कि है प्रसाद ब्रांड चल रहा है, और जो कि भंडारा भोजन यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप आगे तक देख सकते हैं, ये भैया लोग जो कि है यहाँ पे सर्विस सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ कुछ ऐसा यहाँ पे जो कि है सर्व किया जा रहा है। तो आप करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। श्री सत्यनारायण मंदिर से हम आए थे, और यहाँ पे जो कि है विशाल भंडारा का आयोजन है आज के दिन, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियो, और आप लोगों मुझसे जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहे, और मैं रोज़ के रोज़ आपको रोचक नैनीताल से हर एक दिन की वीडियो आपको शेयर करूँगा। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और आइए अब मैं भी भंडारा करता हूँ, और मतलब भोजन कर लेता हूँ। और चलिए तो मिलते हैं मेरी किसी नई वीडियो में, और तब तक का के लिए इंतज़ार कीजिए मेरे नई वीडियो का, और चलिए मिलते हैं जल्द ही, और तब तक का के लिए अपना ध्यान रखिए।